देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में झाड़ू लेकर लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, पर ऐसा लगता है मानो कुल्लू में पीएम के स्वच्छ भारत अभियान को गंदगी का ग्रहण लग गया हो। कुल्लू में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहर में गंदगी की बदबू से गंभीर बीमारियों का खतरा बन गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन कोई उचित कदम नहीं उठा रहा है। सर एक गंदगी पड़ी है, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, नाली सारी ब्लॉके हैं, इससे बीमारी फैल सकती है। आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इस पर नगर परिषद इस चीज़ का कोई भी प्रावधान नहीं निकाल रहा है। सारे रोडों का बुरा हाल करके रखा है। इस गाँव में जाने वाले रोडों का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ कई बार इस वजह से जाम भी लगता है और इससे कई बीमारियाँ फैलती है। अब आने वाले गर्मियों में हर जीव मच्छर जीव जंतु ये सारी बीमारियों का जड़ है सर। पहले मुंह पर बिल्कुल कपड़ा बांध के जा रहे हैं ताकि इतनी बदबू आ रही है कि बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ ये सामने भाई साहब दुकानदार लोग हैं, इनको बहुत परेशानी हो रही है। सारा यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, नाली ब्लॉक हो गई है। प्रशासन इस तरह कोई भी कदम नहीं उठा रहा है कि सारे भुंतर बाजार में पूरा ही बुरा हाल है सर। हर कूड़ेदान में यही सिचुएशन है। मोदी जी ने जो भारत स्वच्छ अभियान चला है, यहाँ तो कुछ पता भी नहीं लगा स्वच्छ अभियान है भी कि नहीं है। यहाँ इस चीज़ का कोई प्रशासन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो ये चाहते कि मोदी जी के उस पर चले। यहाँ कई बार पानी ब्लॉक हो गया, कई बार दुकानदार भाइयों ने कई बार पानी निकाला है पर तब भी वैसे ही हाल हुआ। यहाँ सामने सब कुछ दिख रहा है सर, ये देखो आप बुरा हाल हो गया रखा है। पूरे भारत में स्वच्छ अभियान चलाया है तो इस तरह भी ध्यान देना चाहिए कि चलो यहाँ भी स्वच्छ अभियान। हिमाचल तो इतना सुंदर है सर, हर टूरिस्ट हर पर्यावरण हर चीज़ के लिए अच्छा है, यहाँ दुनिया आती है सर। अब यहाँ बाहर का टूरिस्ट आएगा, बाहर का आदमी ऐसी गंदगी देखेगा क्या सोच के आएगा वो। यहाँ लोग शुद्ध हवा के लिए स्वतंत्र के लिए आते और यहाँ बुरा हाल हो रखे हैं, तो इस तरह हमारे टूरिस्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो एक बार आएगा दूसरी बार क्या सोच के आएगा कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, हर टाइम जाम लग रहा है, नालियों का बुरा हाल है सर। यहाँ आदमी 5 मिनट खड़ा ही हो सकता है। उरे परे घर वाले घर है, इनको बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ दुकानदार भाई दिन भर रहते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के रहते हैं, इतनी बदबू है कि यहाँ खड़ा हो ही नहीं जा रहा है। 5 मिनट भी नहीं आदमी खड़ा हो सकता सर। दरअसल देश विदेश से लाखों पर्यटक कुल्लू में आते रहते हैं और कुल्लू में बढ़ती गंदगी के ढेर से पर्यटकों के बीच इस जिले की छवि खराब हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। शहर में पिछले 9 माह से गंदगी के समाधान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इससे कुल्लू और भुंतर शहर में रहने वाले हजारों लोगों को गंदगी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी 3-4 महीने से गंदगी पड़ी हुई, हमें परेशानी हो रही है, जाने के लिए दिक्कत हो रही और बाकी स्मेल 24 घंटे यहाँ देखो क्या हालत है। बस हमारे तो बिल्कुल दुकान के सामने है ना जी, हम तो चाहते कि यहाँ से एक कूड़ादान उठाया जाए यहाँ से, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। 3-4 महीने से है ना, मक्खी गंदगी है पूरे सारे इसमें, क्या बोलूँ मैं। 5 महीने से साफ सफाई नहीं हो रही जी और यहाँ बीमारी फैलने के बहुत चांस है जी, और 24 घंटे यहाँ देखो क्या हालत है, मक्खी मुखियाँ मच्छर वगैरह बीमारी के पूरा खतरा है जी। छत वालों को भी हमने बोला ना जी, प्रधान जी को भी, अब फिर नहीं सुनना, अब हमने क्या करना है उसके बारे में। कई महीनों से शहर में कूड़े के ढेर से फैली बदबू के कारण लोग बीमार हो गए हैं और बच्चों और बुजुर्गों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यार यहाँ चलना भी मुश्किल हो गया, एक तो हमारी दुकान भी है, हम किस तरह दुकानदारी चलाए, आना जाना ही बंद हो गया लोगों का, और मक्खियाँ पड़ी है दुनिया भर की, स्मेल बुरी तरह से आ रही है। तो 3-4 महीने से गंदगी है यहाँ, बुरा हाल है। खाना पीना भी मुश्किल है, एक तो खाने के ढाबे भी यहाँ साथ में है, खाना पीना भी मुश्किल है, आना जाना भी मुश्किल है, यही दिक्कत है सबसे ज़्यादा। कूड़े चकने वाले वो भी नहीं आ रहे यहाँ आजकल, बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, कभी तीसरे दिन आना कभी चौथे दिन आना, कभी आते ही नहीं वो। शहर में फैली गंदगी के समाधान के लिए शहर में रहने वाले लोग और गांव के पंचायतों का पूरी तरह से सहयोग न मिल पाने के कारण अधिकारी भी परेशान हैं। वहीं हाईकोर्ट ने डंपिंग मामले में एक्शन लेते हुए प्रशासन को डंपिंग साइट चिन्हित कर लोगों को सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है। न्यूज डेस्क।